अग्र विरोध के बाद सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश समाप्त होता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति के खिलाफ बांग्लादेश में अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोटा समाप्त करने में मदद मिली। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को घोषणा की कि वे सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त कर देंगे। निर्णय विशेष समूहों के लिए आरक्षण नीति के विरोध में हजारों छात्रों और नौकरी चाहने वालों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक था जिसमें हसीना के दशक के पुराने नियम के दौरान बांग्लादेश देखा गया था, और इस तरह के एकजुटान विरोध देश में इस तरह के पैमाने पर शायद ही कभी देखा जाता है। चूंकि प्रदर्शनकारियों ने ढाका की सड़कों पर बढ़ोतरी की, पुलिस ने रबर की गोलियां और आंसू गैस का जवाब दिया, जिससे करीब 100 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश सरकार की मौजूदा कोटा प्रणाली के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में 56% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों में महिलाओं, जातीय अल्पसंख्यकों, विकलांग लोगों और कुछ पिछड़े जिलों के नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। प्रदर्शनकारियों को कम से कम 10% कोटा की मांग की गई है। विरोध करने वाले छात्रों और नौकरी चाहने वालों ने भी मांग की कि एक नौकरी आवेदक को एक बार से अधिक बार कोटा का विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ढाका में छात्रों के भीड़ जताते हुए प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और ढाका विश्वविद्यालय को झुठलाया, जिससे 15 मिलियन की भीड़ भाड़ वाली राजधानी में एक ठहराव हो। हम मानते हैं कि यह अन्याय है। ये विशेष समूह आबादी का केवल 2% का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शेष 98% लोग 44% नौकरियों के लिए लड़ते हैं। ये नौकरी कोटा भेदभावपूर्ण है। हम सभी के लिए समान अवसर चाहते हैं। प्रदर्शनकार नूर मोहम्मद, जिन्होंने कहा कि वह आवंटन प्रणाली के कारण प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से चूक गए थे। उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, कोटा प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों के संबंध में आश्वासन पहले ही करवाने के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन अप्रिय भी कहा। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के परिसर के निवास में प्रवेश किया, जिससे उनके घबराए हुए परिवार को छिपाने के लिए मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री ने इस हमले की निंदा की और कहा कि जिन लोगों ने हमला किया और उन पर हमला किया, उन्हें तदनुसार दंडित किया जाएगा। सुश्री हसीना ने विद्यार्थियों और नौकरी चाहने वालों के इरादों पर सवाल उठाया, जो कूट प्रणाली की जांच के लिए सरकार ने वादा किए जाने के बाद प्रदर्शन जारी रखा। सुश्री हसीना ने कहा, हमें इस बर्बरता और लूटपाट के लिए न्याय होना चाहिए। हम उन लोगों को पता करेंगे जो शामिल थे, और छात्रों को हमारी मदद करनी चाहिए। शेख हसीना, जिनके पिता शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के आर्किटेक्ट थे, ने अतीत में कोटा को स्लैश करने की मांग को खारिज कर दिया है।